Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken class. Friends, voice, passive voice and active voice. इन दोनों voice के बारे में मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ा दिया है. पहले भी मैं video upload कर चुका हूँ, develop कर चुका हूँ. सारा का सारा चीज मैंने voice के बारे में पढ़ा दिया है कि voice, what is the active voice, what is the passive voice. Active को हम passive में कैसे convert करते हैं और passive से active में हम कैसे sentence बनाते हैं. सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है. But आज मैं आपको एक्टिव से पैसिव बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ वैसे सेंटेंसेस को जो एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो बोर्ड के एग्जाम्स में कैसे सवाल और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह की सेंटेंसेज आती है और क्या उसमें डायरेक्शन दिया जाता है करने के लिए कि किस तरह से किया जाए, तो उस तरह के सेंटेंसेज को हम कैसे बनाएंगे आज वही सीखेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, एक्टिव से पैसिव अगर बनाने के लिए अगर कहा जाए तो बना लो गया. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये सिर्फ सेंटेंसेस लिख दिया जाए और वहां पे लिखा हो कि रीराइट एज डायरेक्टेड, तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कैसे लिखना है इसको, क्या करना है इसमें. तो उसको पहचानने का ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा. ये देखना आप स्क्रीन पे, क्वेश्चन दिखाई देगा आपको. तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम पहले ऊपर पढ़ेंगे. ऊपर जो लिखा है कि रीराइट एज डायरेक्टेड. तो रीराइट एज डायरेक्टेड मतलब कि आप फिर से इस सेंटेंसेस को लिखिए जैसा कि डायरेक्शन दिया गया है, मतलब किस वे में लिखना है आपको बताया गया है. तो कहां बताया जाता है, वो नीचे बताया जाता है. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन से ये सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं. इसमें नीचे लास्ट में जो है बिगिन लाइक दिस, तो बिगिन लाइक दिस में यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि किस तरीके से आपको बनाना है. तो इसको देखकर समझ में आ जाता है कि इसको पैसिव में चेंज करना है या नंबर में चेंज करना है या इसका जेंडर चेंज करना है, क्या चेंज करना है इसका, ये आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर नीचे डायरेक्शन देखकर कि इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी अगर सेंटेंसेस दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो वॉइस क्या है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो सबसे आसान जो तरीका है, ट्रिक्स है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी बिगिन लाइक दिस में फायर यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, जो पहला सेंटेंस है द स्मॉल यूनिट्स इन सुकासी मैन्युफैक्चर फायर वर्क्स. तो यहाँ पर फायर वर्क्स से शुरू हो रहा है, मतलब ये वर्ब है, ये अपना जो वर्ब मैन्युफैक्चर वर्ब है उसके बाद फायर वर्क्स है. तो अगर वर्ब के बाद वाला जो चीज है ऑब्जेक्ट है वहां से शुरुआत इसी में सेंटेंस में हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है. तो जब इतना पता चल गया है कि ये पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये भी जरूरी है जानना कि इसको हम चेंज कैसे करेंगे और पहचानेंगे कैसे कि इस सेंटेंस को हम किस तरह से चेंज करेंगे. तो सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि सबसे पहले हम पहचानेंगे द स्मॉल यूनिट्स इन सुकासी मैन्युफैक्चर फायरवर्क्स. तो मैन्युफैक्चर में वर्ब है, तो मैन्युफैक्चर कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पहला फॉर्म है यानी कि फर्स्ट फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म जब दिया है यहाँ पर आप समझ जाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से फिर हम उसका पैसिव चेंज करेंगे. तो जब भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और उसका पैसिव हम बनाते हैं, जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो एक्टिव वॉइस में और उसका हम पैसिव बनाते हैं, तो उसको हम पैसिव बनाते वक्त इजारन का सहारा लेते हैं, मीन्स हेल्पिंग वर्ब इजारन लगता है. तो फायर वर्क्स आर मैन्युफैक्चर, यहाँ पर जो दूसरा ट्रिक है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे पता चल गया कि ये वर्ब है. जब आपको ये पता चल जाए कि ये वर्ब है, मैन्युफैक्चर वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आ रहा है, फायर वर्क्स. तो फायर वर्क से शुरू करेंगे कभी भी. ये यही तरीका है पैसिव में कन्वर्ट करने का कि वर्ब के बाद जस्ट जो बात ऑब्जेक्ट आ रहा है वहां से हम शुरू करेंगे पैसिव बनाना. तो फायर वर्क्स, फिर उसके बाद इजारम लगेगा. कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव में चेंज करने के लिए इजारम ही लगाते हैं. तो इजारम लगेगा तो फायर वर्क्स है, बहुवचन इसलिए आर लगेगा. मैन्युफैक्चर किसी भी पैसिव वॉइस में क्रिया का यानी वर्ब का तीसरा रूप लगता है, यानी थर्ड फॉर्म लगता है. तो यहां पर हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया मैन्युफैक्चर. अब उसके बाद क्या लिखेंगे, द फायर वर्क्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन सुकासी, यहां पर इन सुकासी
शिव काशी। अब उसके बाद जो लास्ट का जो सब्जेक्ट है द स्मॉल यूनिट्स, इसमें बाई लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद द स्मॉल यूनिट्स लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा सेंटेंस है, दे सेंड फायरवर्क्स टू एवरी कॉर्नर टू द कंट्री। मीन्स वे लोग फायरवर्क्स जो है देश के कोने कोने में भेजते हैं। तो यहां पर भी प्रेजेंट इंफिनिटिव टेंस ही है, सेंड है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंफिनिटिव टेंस है, ये सेंड वर्ब है, वर्ब के बाद क्या है फायरवर्क्स यहां पर भी आ रहा है। तो फायरवर्क्स से शुरू करेंगे, द फायरवर्क्स, फायरवर्क्स आर, उसके बाद वर्ब क्या है सेंड है, तो सेंट हो जाएगा थर्ड फॉर्म। सेंट कहां भेजा जा रहा है, टू एवरी कॉर्नर टू द कंट्री, टू एवरी कॉर्नर टू द कंट्री, किसके द्वारा, तो बाय देम, यहां पर दे है तो बाय देम हो जाएगा, बाय देम। आपको मैं बता दूं कि जब भी हम किसी एक्टिव को पैसिव में बनाते हैं तो दे का देम हो जाता है, आई का जैसे मी होगा तो आई हो जाता है, हिम का ही हो जाता है, और हर का शी हो जाता है। बहुत इजी है, अगर आपको इतना अच्छी तरह से जानकारी नहीं होगी तो आप मेरे पिछले वीडियो जो वॉइस का वीडियो है वो देख लेना, मैं इसका अपना लिंक में लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लेना अच्छी तरह से। अभी आगे का सेंटेंस है, दे डू नॉट टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द फायरवर्क्स, वे लोग फायरवर्क्स की क्वालिटी को चेक नहीं करते हैं। तो अभी प्रेजेंट इंफिनिटिव में है तो टेस्ट यहाँ पे वर्ब हो गया, टेस्ट के बाद क्या आ रहा है द क्वालिटी ऑफ द फायरवर्क्स, वो लिखेंगे पहले हम द क्वालिटी ऑफ द फायरवर्क्स। क्या इज नॉट टेस्टेड, इज नॉट, नॉट लगाया क्योंकि यहां पर डू नॉट लिखा है, इसलिए इज नॉट लगेगा, टेस्टेड किसके द्वारा, बाय देम, उनके द्वारा, ठीक है। अभी आगे है, इट काउजेस फायर एक्सीडेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यही कारण होता है, यह कारण बनता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आग वाले एक्सीडेंट का, मीन्स जो आग की दुर्घटनाएं होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, उसका यही कारण बनता है। इट काउजेस, काउजेस हो गया यहां पर वर, काउजेस के बाद है फायर एक्सीडेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यहां पे लिखेंगे द फायर एक्सीडेंट इन द मैन्यू, यहां पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट नहीं भी लिख सकते हैं, द फायर एक्सीडेंट आर काउस्ट, यहां पे हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, आर काउस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बाय इट, यहां पर इट है तो इट का इट लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम वॉइस को या किसी भी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, और पैसिव बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन आए आपके पेपर में तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो कि ये किस तरह के क्वेश्चन है, फिर हिंट दो जो डायरेक्शन दिया गया है कि किस तरीके से शुरुआत करना है, इस शुरुआत से अगर वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उससे शुरुआत किया जा रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और थर्ड फॉर्म है, तो समझ लेना है कि इसको हम पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, उसके बाद आप पैसिव वॉइस में चेंज करना, और पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो ट्रिक्स है यह है कि वर्ब के बाद जो आ रहा है उसको पहले लिखो, फिर अगर प्रेजेंट इंफिनिटिव टेंस है तो इजारे में लगाओ, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाया जाता है, इतना आप याद रखना, उसके बाद बाकी का चीज लिख दो, और लास्ट में जो सब्जेक्ट है जो शुरुआत में है बाय लगाकर उसको लिख दो, ठीक है फ्रेंड्स। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझने के लिए। मैंने अभी जो बताया था वो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस थे, तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को पहचान कर हम किस तरह से उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो आपने समझ लिया होगा शायद। अभी ये जो सेंटेंसेस है आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने का नियम क्या है कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी दूसरा फॉर्म इस्तेमाल होता है। यहां पर देखो माय सिस्टर बाउट अ रिस्ट वॉच, बाउट इज द सेकंड फॉर्म, बाउट बाई का सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब इससे समझ में आ जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस है। अब इसका हम ये जो बिगिन लाइक दिस दिया हुआ है इसको पढ़कर हम ये समझेंगे कि इसको क्या बनाना है। द रिस्ट वॉच वॉज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब के बाद जो आ रहा है रिस्ट वॉच, अगर पहले आ रहा है यहां पर तो समझ लेना कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये ट्रिक्स है, इसको आप याद रखना और समझ लेना अच्छी तरह से। जब भी आप बिगिन लाइक दिस में ऐसा दिया हो कि वर्ब के बाद जो है उसको पहले दिया है फिर उसके बाद वॉज वर्ब या प्रेजेंट टेंस होगा तो इजार दिया है, तो समझ लेना कि इसको हम पैसिव सेंटेंस में चेंज करना है हमको, ठीक है। तो रिस्ट वॉच वर्ब्स, अब इतना समझ में आ गया कि इसको पैसिव सेंटेंसेस में चेंज करना है, तो अब चेंज करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं हो जाएगी। सीधा सिंपल बात है, जैसा मैंने अभी पीछे बताया था प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस चेंज करने के लिए सेम फॉर्मूला इसमें भी है। और वॉइस में हमेशा हर वॉइस पैसिव वॉइस, जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं चाहे वो किसी भी स्टेप से हो किसी भी टेंस से हो, उसका जो बनाते हैं पैसिव वॉइस तो उसमें थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। तो यहां पर ये पता चल गया पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो रिस्ट वॉच वॉज, उसके बाद क्या है रिस्ट वॉच वॉज, उसके बाद हम बी थ्री लिखते हैं तो बाई का तीसरा फॉर्म बाउट ही होता है, बी ओ यू जी एस टी बाउट। उसके बाद क्या बचा रिस्ट वॉच वॉज बाउट, उसके बाद सब्जेक्ट बचा माई सिस्टर, तो बाई लगाएंगे यहां पर By my sister, okay? अब अगला सेंटेंस है कि she gifted it to me on my birthday, मतलब उसने मुझे मेरे बर्थडे के अवसर पर दिया, उसने गिफ्ट किया। तो यहां पर वर्ब होता है gifted, gifted वर्ब है तो gifted के बाद it आ रहा है, it पहले लिखेंगे it was, फिर उसके बाद बी थ्री यानी गिफ्टेड, इट वॉज गिफ्टेड टू मी ऑन माई बर्थडे, टू मी ऑन माई बर्थडे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है शी, जो पहले सब्जेक्ट है उसको हमेशा लास्ट में बाई लगाकर लास्ट में लिखेंगे बाई, शी मीन्स हर। ये मैंने आपको बताया था कि शी अगर रहेगा तो हर, अगर ही रहेगा तो हिम, आई रहेगा तो मी, दे रहेगा तो देव, ओके? अभी अगला सेंटेंस है आई थैंक्ड हर फॉर द गिफ्ट, आई थैंक्ड इसमें जो वर्ब है थैंक्ड है तो थैंक के बाद क्या हो रहा है हर, तो हर का ये बदल जाएगा शी में, तो शी वॉज थैंक्ड, शी वॉज थैंक्ड फॉर द गिफ्ट, अब सब्जेक्ट क्या है आई, बाई मी, आई का मी हो जाता है, ओके? अभी अगला सेंटेंस है एवरीवन प्रेज्ड द वैल्यूएबल गिफ्ट, सभी ने इस वैल्यूएबल गिफ्ट का प्रशंसा किया, तो यहां पर है प्रेज्ड, प्रेज्ड वर्ब है तो वर्ब के बाद क्या है द वैल्यूएबल गिफ्ट, तो द वैल्यूएबल गिफ्ट लिखेंगे पहले हम, द वैल्यूएबल गिफ्ट, फिर उसके बाद वॉज, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें प्रेज है तो प्रेज्ड, थर्ड फॉर्म भी प्रेज्ड ही होता है प्रेज्ड, द वैल्यूएबल गिफ्ट वॉज प्रेज्ड, उसके बाद क्या है एवरीवन सब्जेक्ट बच रहा है तो बाय एवरीवन, ओके फ्रेंड्स? तो इस तरीके से अगर वॉइस चेंज करने के लिए आए तो इस तरीके से हम वॉइस चेंज करेंगे, और कैसे पहचानना है कि किसमें चेंज करना है वो भी मैंने आपको ट्रिक्स बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट होगा तो इजारम लगाकर यहां पर बनाएंगे, पास्ट होगा तो वॉज वर्ब, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा किसी भी सेंटेंस को वॉइस में यानी पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? अगर फ्यूचर होगा, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं,
मैं एक सेंटेंस बनाकर दिखा देता हूँ आपको, अगर फ्यूचर होगा तो ही विल गिव मी अ स्टोरी बुक। अगर इस तरीके से सेंटेंस सुनाएगा फ्यूचर का, तो अगर इसका वॉइस चेंज करना हो तो वॉइस चेंज करने के लिए जैसा कि ट्रिक मैंने बताया कि वर्ब के बाद जो आता है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर गिव वर्ब है, तब पहले गिव के बाद मी आ रहा है तो मी का आई हो जाएगा, आई शैल बी, शैल लगाना है एक साथ, आई शैल बी, इसमें बी लगेगा, विल बी शैल बी, जिसके साथ विल लगता है विल बी लगाएंगे, जिसके साथ शैल लगता है शैल बी लगाएंगे, तो शैल बी गिवन क्या दिया गया मुझे, अ स्टोरी बुक, किसके द्वारा, ही मींस बाय हिम। उम्मीद करता हूं कि आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया पढ़ाने का और समझाने का, बनाने का, जो वॉइस बनाने का, उम्मीद करता हूं कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।